अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा असलम परवेज और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत पिंक मेकअप लुक स्पेशली अनमैरिड गर्ल्स के लिए। आप इस तरह का मेकअप बर्थडे पार्टी, वेडिंग और छोटे मोटे फंक्शन पर भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये मेकअप स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नए व्यूअर से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है क्योंकि स्किन प्रिपरेशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ 24 के गोल्डन सीरम, अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद में जस्ट फिंगर की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी, ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। इसके बाद हम लगाएंगे मॉइस्चराइजिंग लोशन। आप किसी भी कंपनी का मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर में ले रही हूँ फिटमी का। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हमें अपनी स्किन ऐसे फील हो रही थी जैसे कि बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो। प्राइमर हमारे ओपन पोर्स को भी बंद करता है। प्राइमर की मदद से ही हमारा बेस बहुत अच्छा बनता है, तो आपने प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये बात याद रखो लड़कियों, अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करो तभी आप प्राइमर यूज करोगे, स्टिक पर नहीं। ओके, सो यहाँ हमारी प्रिपरेशन कम्प्लीट हो गई है। इसके बाद हम लगाएंगे क्रिस्टाइन कंसीलर स्टिक फॉर डार्क सर्कल, इसका नंबर है 9। इसको हम अपने डार्क सर्कल पर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा डार्क सर्कल हाइड हो सके, और फिंगर की मदद से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन में ले रही हूँ एमली पैरिस, इसका नंबर है 01। इसको अपनी ब्रो बोन से लगाना मैं स्टार्ट करूंगी ताकि हमारी आईब्रो की जो शेप है वो नीट एंड क्लीन सी आ जाए। इसके बाद हम अपने पूरे फेस पर सेम फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से जस्ट डैब डैब करके हम अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्यूटी ब्लेंडर को आपने बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, जस्ट डैब डैब करके अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना है। और इसके बाद हम लगाएंगे काशीज कॉम्पैक्ट पाउडर 09, इसका नंबर है। ये थोड़ा पिंकी शेड में है। इसको हम अपने पूरे फेस पर अप्लाई करेंगे ब्रश की मदद से। ब्रश में लिया है जोइवा का पाउडर ब्रश। किसी भी कंपनी का आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद हम अपने आईब्रोज को शेप देंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ मिस रोज का डार्क ब्राउन जेल लाइनर। इसमें मैंने वाटर एड कर लिया है। ब्रश में लिया है जोइवा का ब्रो लाइन ब्रश। आईब्रोज बनाने के लिए फर्स्ट आपने सेंटर से स्टार्ट करना है, सेकंड पर आपने आउटर कॉर्नर बनाना है, थर्ड पर आपने अपनी इनर कॉर्नर बनाना है। कॉलर्स में इसी तरह आईब्रोज की शेप दी जाती है। यही कुछ टेक्निक्स होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। स्टार्ट में हम आउटर कॉर्नर इसलिए पहले बनाते हैं क्योंकि जब हम अपने ब्रश में प्रोडक्ट पिक करते हैं तो हमारे ब्रश में ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट आ जाती है। इसी वजह से हम अपने आउटर कॉर्नर पहले बनाते हैं ताकि हमारी आउटर कॉर्नर डार्क, और जब लास्ट में हमारे ब्रश में प्रोडक्ट खत्म हो जाती है तब हम अपने इनर कॉर्नर बनाते हैं। इस तरह हमारी इनर कॉर्नर लाइट आ जाती है और इस तरह नेचुरल आईब्रोज की शेप बन जाती है। मजीद यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देती चलूँ, यहाँ जानबूझ के मैंने अपने आईब्रोज का कलर कुछ बाहर लगा लिया है ताकि बिगनर्स के लिए आसानी हो सके उनसे अगर कुछ कलर्स आपसे बाहर लग जाए आपकी आईब्रोज की शेप देते हुए। तो आपने फ्लैट ब्रश में फाउंडेशन लेकर इस तरह उसको नीट एंड क्लीन कर लेना है। अच्छा, जिन लड़कियों को आई मेकअप करते हुए परेशानी होती है वो इस तरह ट्रांसपेरेंट टेप लेकर अपने आउटर कॉर्नर पर लगा ले, इससे आपका आई मेकअप बहुत क्लीन होगा। इसके बाद हम लगाएंगे काशीज ग्रेस एंड ग्लैमोरा हाईलाइटर, इसका शेड है आइस क्वीन। इसको मैं अपनी ब्रो बोन और इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी ब्रश की मदद से। इस हाईलाइटर मैंने वाटर एड कर लिया था, थोड़ा सा थिक पेस्ट बनाकर अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ ग्लैमरस की मखमली प्लस मैट टच आई शेडो पैलेट, इसमें से मैंने पिक किया है बेबी पिंक कलर। ब्रश मैंने लिया है जोइवा का क्रीज ब्रश। क्रीज एरिया में अपना कलर अप्लाई करेंगे, सर्कल मोशन में मूव करते हुए इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। अच्छा जी, अगर आपने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए जी। इसके बाद सेम पैलेट से हम डार्क पिंक कलर लेकर अपने आई लिड पर अप्लाई करेंगे। मैं फिंगर की मदद से इसे अप्लाई करूंगी। ब्लेंडिंग के लिए मैं ब्रश इस्तेमाल करूंगी। इसको ब्लेंड करते हुए हम आउटर कॉर्नर की जानिब ले जाएंगे। ब्लेंडिंग पर आपने खास ध्यान देना है कि कोई भी हार्श एजेस ना रहे। इसके बाद हम करेंगे नोज कॉन्टोर। इसके लिए मैं ले रही हूँ क्रिस्टाइन की फेस कंटोरिंग पैलेट नंबर 1। इनर कॉर्नर आईब्रो से लेकर नोज के टॉप तक जस्ट मैं एक लाइन क्रिएट करूंगी। ब्लेंडिंग के लिए मैंने कोई ब्रश इस्तेमाल नहीं किया, फिंगर की मदद से ही मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप चाहे तो ब्रश की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। आईलाइनर मैंने लिया एक राइडोन का ब्लैक केक आईलाइनर। लेश के पास पास एक थिन सी लाइन क्रिएट करूंगी, मुझे बहुत ज्यादा मोटा आईलाइनर नहीं चाहिए। इस टेप की मदद से हमारा आईलाइनर का विंग भी बहुत अच्छा बनेगा, नीट एंड क्लीन सा। इसके बाद हम अपने टेप को रिमूव कर देंगे। अब मैं ले रही हूँ ग्लिटर आईलाइनर। इस तरह के ग्लिटर आईलाइनर आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। मैंने लिया सिल्वर ग्लिटर आईलाइनर। अपने ब्लैक आईलाइनर के ऊपर ही मैं एक लाइन क्रिएट करूंगी इस ग्लिटर आईलाइनर की। अपर क्रीज एरिया में भी मैंने यही लाइन क्रिएट कर ली है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसी ग्लिटर आईलाइनर के ऊपर मैं स्पार्किंग डस्ट अप्लाई करूंगी। स्पार्किंग डस्ट मेरी क्रिस्टाइन की 107। ब्रश में स्पार्किंग डस्ट लेकर उसी ग्लिटर आईलाइनर के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये इजीली इसके ऊपर चिपक गई है। स्पार्किंग डस्ट के लिए मैंने अलग से कोई ग्लू या सीलर अप्लाई नहीं किया है। स्पार्किंग डस्ट अप्लाई करने के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा शाइन आ रही थी। अच्छा जी, ग्लिटर आईलाइनर की मैंने एक पतली सी लाइन क्रिएट करी। अगर आपको मोटी पसंद हो तो आप मोटी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं लगाऊंगी काशीज बिग एंड ब्राइट व्हाइट जेल लाइनर नंबर 03। इसको हम अपने वाटर लाइन पर अप्लाई करेंगे किसी भी थिन ब्रश के टॉप से।
इसके बाद अप्लाई करेंगे ब्लश। ब्लश में ले रही हूँ म्यूजिक फ्लावर का, ऑटो ब्लश का नंबर है 04। ब्लश हमने चिक्स पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे हाईलाइटर। हाईलाइटर में ले रही हूँ ओटबो का, इसका नंबर है 01। इसको अपने चिक्स पर, नोज पर और हेड पर मैं अप्लाई करूंगी ब्रश की मदद से। ब्रश मैंने लिया है जोएवा का फैन ब्रश। इसके बाद हम करेंगे अपने लैशेस को कर्ल। यहाँ मैंने अपनी वीडियो स्पीड में कर ली है। इसके बाद मैं कर रही हूँ अपने मस्कारा अप्लाई। अच्छा जी, मस्कारा आप कोई सा भी लगा सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट हो। और लैशेस में लगा रही हूँ सारा एंड ऑलिवर की ट्रेंडी लैशेस की शेप, आप देख सकते हैं। ग्लू मैंने अप्लाई कर लिया है स्वीट टच का, जस्ट सेंटर से मैंने अपनी लैश को रख लिया है। उसके बाद मैं आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर दोनों साइड से मैं इसको प्रेस कर दूंगी, इजिली हमारी लैशेस लग जाएंगी। फाइनल मेकअप लुक आपके सामने है। आपको मेरा मेकअप कैसा लगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक आपने अब तक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और मैं सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।